मध्य प्रदेश के भैसोदा मंडी से यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करने के साथ ही पवन कुमार ने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश व राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित भैंसोदा मंडी के पवन कुमार का बचपन से ही कलेक्टर बनने का सपना था, जो 30 साल की उम्र में पांचवी बार यूपीएससी का पेपर देने के बाद पूरा हो गया। इस परीक्षा को पास कर पवन ने पूरे परिवार और गांव वालों का नाम रोशन कर दिया है। भैंसोदा मंडी से पहली बार किसी ने कलेक्टर की परीक्षा पास की है। इसका श्रेय उन्होंने अपने माता पिता और गुरुजन दिव्य दृष्टि कोचिंग के डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को दिया। यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन के लिए मैं अपने कॉलेज के समय पर इसका समय से तैयारी शुरू कर दी थी। मैं रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता था, साथ साथ मैं खुद भी एक स्कूल एक विद्यालय के अंदर गणित विषय पढ़ाता हूँ और उसके अलावा मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ नियमित रूप से। क्लासेस के बाद शाम को 8 बजे से 2 बजे तक किसी भी परिस्थिति में मेरा लक्ष्य होता था कि अब 5 से 6 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। मैं पढ़ता था और अपनी सफलता का श्रेय में माता पिता दृष्टि कोचिंग क्लासेस के संस्थापक विकास देवी कीर्ति सर, जिनका मार्गदर्शन मुझे नियमित रूप से प्राप्त हुआ, उनको देना चाहता हूँ। रोचक की बात यह है कि पवन के पिता रामेश्वर सुथार को पवन के यूपीएससी में 816 रैंक हासिल करने के बाद पता चला कि उनका बेटा कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा था। मेरे को महसूस तो यही हो रहा है कि ये पढ़ाई करते थे तो मैं सोचता था कि कामयाब होंगे या नहीं होंगे ईश्वर ने, तो अब वो तो क्या कह सकूं, अच्छी बात है, वो तो उसने मेहनत की है और इस बात का वही मतलब ऊपर वाले ने भी सहयोग दिया है इन इसको, जो मतलब जैसे ही मान लो इन पढ़ाने वाले ने भी मतलब जब ये 10वीं में था तो उस टाइम पे तो उन गुरुजनों ने इनको रात को उठा के तक पढ़ाया। मतलब पवन की माँ गृहिणी है और पिता मकान कारीगरी का काम करते हैं। उनके प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद पूरे गांव के लोगों ने उन्हें मालाएं पहनाकर और बधाइयां दी। क्षेत्र के लिए बहुत हर्ष का विषय है और हमें भी खबर मिली तो हम तुरंत आए। सब में बड़ा हर्ष का विषय ये है कि जो रामेश्वर जी है जिनका बालक पवन भैया जो कलेक्टर बने हैं, पास करिए कलेक्टरी की पढ़ाई, इनने बहुत परेशानियां देखी है। कारीगरी करते हैं क्या, मकान बनाते हैं और इतनी मेहनत करके और इनका बालक जो बना, तो इस क्षेत्र के लिए भैसोदा नगर परिषद के लिए बहुत ही खुशी की बात।